योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्या बाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ भी आकर नित्य देवघर में संध्या के समय निरंजन जलाकर आरती करती। देवारे में बड़ा सा शिवलिंग देखकर मुझे चौंडी गांव के सिद्धेश्वर मंदिर की याद हो आती। मुझे महसूस होता जैसे मायके से कोई तो है मेरे साथ। मैं अपने मन की हर बात शिवजी से कहती, शिवजी से प्रार्थना करती, हे शिवजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मायका और ससुराल दोनों घर की मर्यादा का निष्ठा से पालन कर सकूं। वहाँ होलकर वंश के कुलदेव मल्लारी मार्तन का भी बड़ा सा टाक था। शाम की दिया बत्ती के बाद मैं रोज सासू माँ के पास जाकर बैठती। वो मुझे बहुत प्यार से महल के रीति रिवाज समझाती। वे कहती, अहिल्या तुम राजघराने की बहू हो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ, तुम्हारे कर्तव्य सबसे अलग हैं। राजघराने के व्यक्तिगत सुख दुख नहीं होते, हमारे सुख दुख हमारी प्रजा से जुड़े होते हैं। उनके सुख में हमारा सुख और उनके दुख में ही हमारे दुख निर्भर रहते हैं। तुम इंदौर की भावी रानी हो, तुम्हें गृहस्थी, राजनीति, युद्ध नीति सभी सीखना है। एक रानी पूरी प्रजा की माता होती है। सासू माँ के साथ ही वहाँ बानाबाई साहेब, द्वारकाबाई साहेब और हरकूबाई साहेब के साथ भी मैं बहुत सम्मान के साथ पेश आती। उदाबाई, सीताबाई मेरी ननंदें थी, वे भी मुझे बहुत प्यार करती। शायद सबसे छोटी होने की वजह से सभी मुझसे प्यार से रहते थे। खंडेराव जी को संगीत में रुचि थी, वे शाम होते ही मित्रों के साथ बाहर निकल जाते, सासू माँ से ज़रूर आज्ञा लेने आते। सासू माँ कहती, अरे खंडेराव अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा विवाह हो गया है, अब अहिल्या भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे भी समय देना चाहिए। पर खंडेराव जी अभी आता हूँ कहकर चले जाते। मैं देखती खंडेराव जब भी बाहर जाते तो सासू माँ चिंतित हो उठती। वे कहती, सुन भाई तुम पर सिद्धेश्वर महादेव की कृपा है, तुम शिवजी से प्रार्थना करो कि खंडेराव राजकाज में अपना ध्यान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे संस्कार उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। मैं सोच में पड़ जाती, आखिर क्यों खंडेराव जी राजकाज की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते, क्यों बाहर जाने के लिए वे इतने बेचैन हो जाते हैं। हालांकि वे शस्त्र विद्या का, तीरंदाजी का नियमित अभ्यास करते थे। समवयस्क होने से भी मेरा मन होता उनसे बात करने का, उनके साथ रहने का, पर उनके चित्त में पता नहीं कौन से विचार चलते रहते। एक दिन सांझ आरती के बाद मैं बाबा साहब के कक्ष में गई। उनके चरण स्पर्श करते हुए बोले, आओ अहिल्या बैठो, तुम्हारी पायल की रुंझुन पहले ही तुम्हारे आने की आहट दे देती है। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। बाबा साहेब ने फिर पूछा, अहिल्या तुम खुश तो हो ना यहाँ आकर।
मैंने अपने सिर का पल्लू संवारते हुए कहा, बाबा साहेब मैं तो खुश हूँ। सासू माँ और आप में मुझे मेरे आई बाबा का ही आभास होता है, पर मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ और आपका इतना बड़ा राजमहल, मुझे डर लगता है कहीं यहाँ के तौर तरीके निभाने में कोई भूल ना हो जाए। बाबा साहब बोले, अहिल्या तुम हर लिहाज से होलकर राजघराने के काबिल सुनबाई हो, छोटे से गांव से आने की वजह से कोई अक्षम नहीं हो जाता। अब तुम्हें मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से होल गांव में खंडोजी के घर हुआ। मेरे पिता खेती करते थे, लेकिन उनके असामयिक निधन से हम पर अचानक विपत्ति के बादल मंडराने लगे। नियति कब किसको आसमान से ज़मीन पर गिरा दे कह नहीं सकते। खराब परिस्थिति देख रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। मैं बहुत छोटा था। माँ ने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह गृहस्थी का खर्चा उठा सके, पर कहीं से काम नहीं मिला। आखिर थक हार कर हम मेरे मामा भोजराज बारगल के घर तलोदा आ गए। मेरी माँ बहुत स्वाभिमानी थी। उसने मामा से कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खेत में काम करूँगी और मेरे पुत्र मल्लार को आप ही कोई घर का छोटा मोटा काम दे दो। माँ की जिद के सामने मामा भी झुक गए और बोले, हम धनगर हैं और हमारा मुख्य उद्योग भेड़े पालना तो है ही, पर साथ साथ हम युद्ध में भी निष्णात हैं। अभी मल्लार छोटा है तो उसे हम भेड़े चराने का काम सौंप देते हैं। वो भेड़ों की देखरेख करेगा तो मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। इस तरह मामा ने मुझे भेड़े चराने का काम सौंप दिया। करीब 500 भेड़े थीं। उन्हें जंगल में जहाँ हरी हरी घास और हरे भरे पौधे हो वहाँ चराने ले जाना पड़ता था। मुझ में कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि ऐसा क्या करूँ जिसमें मेरी माँ को खेतों में काम न करना पड़े। भेड़ों को चरने छोड़ अक्सर मैं घने पेड़ की छाया में विश्राम कर लेता था। एक दिन इसी तरह अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ मैं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। घना जंगल होने की वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे नींद लग गई। अचानक आसपास आते शोरगुल से मेरी नींद खुल गई। देखा तो गांव के कितने ही लोग मेरे आसपास खड़े मुझे आश्चर्य से देख रहे थे और माँ घबराई सी मेरे सिरहाने खड़ी थी। जंगल में माँ को देखकर मैं हैरान रह गया। क्या कुछ अनहोनी घट गई थी? माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हैरानी से माँ से पूछा, माँ क्या हो गया? माँ ने बताया, बेटा जब बहुत देर तक तुम घर नहीं लौटे तो घबरा कर मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ तक चली आई। यहाँ आकर देखा तो एक नाग ने अपना बड़ा सा फन तुम्हारे सिर पर फैलाया हुआ था ताकि तुम्हारे चेहरे को तेज धूप से बचाया जा सके। मैं अत्यंत भयभीत हो गई थी। पति को तो पहले ही खो चुकी थी, क्या बेटा भी? मैंने तुरंत शोर मचाया। आसपास के लोग थे वे इकट्ठे हो गए, पर तब तक तुम्हारे चेहरे से धूप हट चुकी थी और नाग देवता वापिस अपने बिल में चले गए थे। जिस तरह राजा के सिर पर छत्र रहता है, उसी तरह उस नाग ने तुम्हारे सिर पर धूप की किरणों से बचाने के लिए अपने फन का छत्र तब तक फैलाए रखा जब तक कि धूप चली नहीं गई। सारे तलोदा गांव वालों ने यह अभूतपूर्व दृश्य देखा। गांव के बुजुर्ग कहने लगे,
यह तो नियति की भविष्यवाणी है कि यह तेजस्वी बालक आगे चलकर किसी राज्य का राजा बनेगा। मैं आश्चर्य से बाबा साहेब की बातें सुन रही थी। मैंने कहा, बाबा साहेब, यह बात तो सही में ही सच साबित हो गई कि शिवजी की तो बचपन से ही कृपा हो गई आप पर। हाँ अहिल्या, नियति हमें कई बार संकेत देती है पर हम उसे समझ नहीं पाते। फिर आगे क्या हुआ बाबा साहेब? मैंने उत्सुकता से पूछा। माँ तो मुझे देखकर ही खुशी से रोने लगी थी। हम घर आ गए। मामा ने इस घटना पर गंभीरता से विचार किया और यह निर्णय लिया कि मल्हार बेटा अब भेड़े चराने नहीं जाएगा, बल्कि युद्ध में काम आने वाली शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंकना आदि सीखेगा। उसके बाद तो मुझे सारे युद्ध की शिक्षा सिखाई जाने लगी। मैंने भी दिल लगाकर कठिन अभ्यास शुरू कर दिया। मामा ने भी मेरी लगन देख मुझे श्रीमंत कदम बांडे की सेना में भर्ती कर दिया। सेना में अपनी बहादुरी और शस्त्र विद्या में पारंगत होने की वजह से मुझे कदम बांडे जी की छत्रछाया मिली। मुझे उन्होंने मुहिम पर भेजना शुरू कर दिया। युद्ध में मेरी बहादुरी देख शत्रु सेना भाग खड़ी होती। मल्हार आया की आवाजें गूंजने लगती। शीघ्र ही श्रीमंत पेशवा जी ने मुझे अपनी सेना में ले लिया। अपनी वीरता से मैंने दिल्ली तक जीत दिलाई। उन्होंने खुश होकर मुझे मालवा का मुख्तार पत्र दिया। जैसे ही मुझे फौज में भर्ती किया गया, मामा ने माँ की सहमति से अपनी बेटी गौतमाबाई का विवाह मुझसे कर दिया। गौतमाबाई बारगल अब गौतमाबाई होलकर हो गई। माँ बहुत खुश थी। मेरी प्रगति माँ ज़्यादा नहीं देख पाई। थोड़े ही समय बाद वे मुझे अनाज छोड़ ईश्वर के घर चली गई। पेशवा दरबार के राजाज्ञा से राणोजी शिंदे को उज्जैन, उदाजी पवार को धार और मुझे इंदौर भेजा। उस समय मुगल साम्राज्य की ओर से क्षेत्राधिपति चौधरी नंदलाल राव जमींदार थे। मैंने कान्ह नदी और सरस्वती नदी के संगम स्थल की ऊंची टेकरी को अपना राजवाड़ा बनाने के लिए चुना। मैंने मालवा में जागीरी की स्थापना की थी। जब मुझे श्रीमंत पेशवा जी ने मालवा की सूबेदारी सौंपी, तब इंदौर के बीचों बीच स्थित हाकिम बाड़े को अपने निवास के लिए चुना। इसी हाकिम बाड़े को मैंने पत्थरों से 3 मंजिलों तक बनाया। इंदौर के प्राचीन इंद्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तुम्हें पता है अहिल्या, इसी इंद्रेश्वर मंदिर से हमारे इंदौर का नाम पड़ा है। मैं तन्मय होकर बाबा साहेब की बातें सुन रही थी और आश्चर्य से सोच रही थी कि कैसे बाबा साहब ने अपने शौर्य सूझबूझ से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज तो बाबा साहब ने जैसे मुझे सब कुछ बताने के लिए निश्चय कर बैठे थे। वे आगे बताने लगे, गौतमाबाई राणे साहब भी अक्सर मेरे साथ मुहिम पर जाती। उनका साथ मुझमें एक नया साहस भरता। वे युद्ध नीति, राजनीति सभी में रुचि लेती। अगर मेरे साथ मुहिम पर न होती तो इंदौर से ही सेना की ज़रूरतें पूरी करती। अहिल्या, मैं चाहता हूँ तुम भी गौतमाबाई रानी साहब से घर गृहस्थी के अलावा राजकाज की कार्यप्रणाली सीखो। खंडेराव जी का जन्म विजयादशमी पर हुआ। जब हमारे घर नन्हे बालक ने जन्म लिया तब उनका नाम खंडेराव रखा गया। तुम जानते हो कि होलकर राजवंश के कुल देवता खंडोबा हैं, इसीलिए हमने अपने पुत्र का नाम खंडेराव रखा
और खंडोबा की ही कृपा है कि तुम हमारे घर हमारी पुत्रवधु बनकर आई। अहिल्या, जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी सादगी, बुद्धिमत्ता, संस्कार और धर्मप्रियता देख मैंने मन ही मन में तुम्हें पुत्रवधु के रूप में चुन लिया था। श्रीमंत पेशवा जी ने भी मेरे इस निर्णय की सराहना की थी। उन्होंने तुम्हारा विवाह कितनी धूमधाम से शनिवार वाड़े में किया, तुम्हें बहुमूल्य उपहार भी दिए। अब धीरे धीरे तुम राजनीति, युद्ध नीति, शस्त्र विद्या और होलकर राजघराने के पारंपरिक रीति रिवाज, कुल धर्म सब गौतमाबाई रानी साहब से सीख लेना। सिर्फ सीखना ही नहीं, उसमें प्रवीणता भी हासिल करनी है। अभी खंडेराव में भी बचपना थोड़ा ज़्यादा है, तुम्हें उन्हें भी राजकाज में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना है। अहिल्या, अब मैं तुम्हें दरबार में भी ले जाया करूँगा ताकि तुम जान सको राज्य की कार्य प्रणाली कैसी होती है। पर एक बात ध्यान रखना अहिल्या, हमारे लिए प्रजा का हित सर्वोपरि है, उनके साथ कभी अन्याय न हो। मैंने कहा, जी बाबा साहेब, मैं हमेशा इन बातों का ध्यान रखूंगी। आपकी आज्ञा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बाबा साहेब बोले, अहिल्या, मुझे तुमसे, तुम्हारे काबिलियत से बहुत उम्मीदें हैं। तुम ज़रूर मेरी विश्वास पर खरी उतरोगी। सुन भाई, अब जाओ, भोजन का समय हो गया है, तुम भोजन लगवाओ, हम भी बस आते ही हैं। और ज़रा भी कुछ तकलीफ़ हो, परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना। जी बाबा साहब, कहकर मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मेरी आंखें भीग आई थीं क्योंकि मुझे मेरे बाबा की याद हो आई थी। मैं वापस लौट आई और भोजन व्यवस्था देखने लगी। रात को जब मैं अपने कक्ष में आई, मेरे मस्तिष्क में अभी भी बाबा साहेब के स्नेहिल शब्द गूंज रहे थे। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे शिवजी, हे शिवजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर पूरी निष्ठा से चल सकूं। मैं खंडेराव जी के बारे में सोच रही थी। सासू माँ और बाबा साहेब कितने चिंतित थे उनको लेकर। खंडेराव जी दिन में संगीत में व्यस्त रहते और शाम होते ही साथियों के साथ बाहर चले जाते तो रात ही लौटते। एक शाम वे मेरे कक्ष में आए। सेविका चांदी के प्याले में उनके लिए शीतल गुलाब का शरबत लेकर आई। आज वे खुश लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, छोटे सूबेदार जी, आप इतनी देर तक बाहर कहाँ रहते हैं? अगर आप संध्या की दियाबाती के समय घर आ जाएं, तो हम संध्या आरती साथ साथ कर सकते हैं। सासू माँ और बाबा साहेब भी बहुत खुश होंगे। स्वामी बोले, हाँ अहिल्या, हम भी चाहते हैं कि राजकाज में रुचि लें, शस्त्र विद्या का और अभ्यास करूं। पर शाम होते ही मेरा मन बाहर की ओर खींचने लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाऊं। मुझे भी विश्वास था कि शिवजी की कृपा से खंडेराव जी ज़रूर राजकाज में रुचि लगेंगे। धीरे धीरे मैं राजमहल की दिनचर्या के अभ्यस्त होने लगी। सुबह की पूजा के बाद कुछ देर धर्म ग्रंथ का पाठ करती। चौंडी गांव में आई ने मुझे थोड़ा थोड़ा धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना सिखाया था। फिर कुछ देर चारों सासू माँ के पास बैठती। सभी सासू माँ मुझसे पुत्रीवत व्यवहार करती। कुछ समय बाद गौतमाबाई सासू माँ के साथ रसोई घर में भोजन की व्यवस्था देखती। थोड़े विश्राम के बाद संध्या आरती का समय होता। उसके बाद फिर थोड़ी देर धर्म ग्रंथों का पठन या श्रवण करती।
कई बार खंडेराव जी के बारे में सोचकर मैं चिंतित हो उठती। इधर उनके व्यय भी बढ़ने लगे थे, संगीत में भी रुचि बढ़ती ही जा रही थी। वे जब भी मेरे कक्ष में आकर बैठते, मैं उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करती, उनके कर्तव्य याद दिलाती, उनसे अनुरोध करती कि वे भी बाबा साहेब के साथ मुहिम पर जाया करें। पर अब मुझे लगने लगा था कि खंडेराव जी पर मेरी बातों का असर होने लगा है, क्योंकि अब वे युद्ध विद्या का अभ्यास ज़्यादा करने लगे थे। सासू माँ, बाबा साहेब भी खुश नज़र आने लगे थे। बाबा साहेब ने खंडेराव जी को अपने साथ राज्य के प्रबंध के निरीक्षण के लिए भी ले जाना शुरू कर दिया था। खंडेराव जी और बाबा साहेब के साथ साथ खानदेश से प्रस्थान करते हुए अजमेर में प्रवेश किया और अपनी शूरवीरता के दम पर चौथ वसूल करने लगे। खंडेराव जी के स्वभाव में भी आए परिवर्तन से मैं थोड़ा थोड़ा निश्चिंत होने लगी थी। जब भी वे मेरे कक्ष में आते, मैं उन्हें प्रेम और आदर से अनेक पौराणिक कथाएं सुनाती। परिणाम स्वरूप वे बाबा साहेब की आज्ञा पालन करना अपना कर्तव्य समझने लगे। अब उन्हें महसूस होने लगा था कि वे मालवा के भावी राजा हैं। उन्हें उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। अब तो बाबा साहेब को भी विश्वास हो चला था कि खंडेराव जी उनके योग्य उत्तराधिकारी साबित होंगे।